कभी साइकिल से फेरी लगाकर गांव और गलियों में की थी व्यापार की शुरुआत। मुश्किल और कठिन संघर्ष के बावजूद पूरे मनोयोग से करते रहे अपने लक्ष्य की साधना। शून्य से शिखर की ओर कर रहे हैं सफल यात्रा। एक छोटी दुकान से खड़ा कर दिया 350 करोड़ का कारोबार। वाराणसी मंडल समेत देश के बड़े हिस्से में प्रतिष्ठित कारोबार करने वाले जालान ग्रुप के प्रबंध निदेशक केशव जालान से द इंडियन ओपिनियन के संवाददाता पुरुषोत्तम सिंह की खास बातचीत। द इंडियन ओपिनियन के खास प्रोग्राम खास व्यक्ति से मुलाकात के दौर में हम आ पहुंचे हैं केशव जालान जी के पास। हम उनसे जानेंगे क्या रहा उनका सफर, और इस प्रोग्राम का सबसे खास उद्देश्य ये है कि काशी अपने आप में एक विरासत को संभाले हुए है, और उसी विरासत की कड़ी में कहा जाता है कि जालान जी का एक खास स्थान है जो समाज के हर सुख में दुख में और व्यक्ति के हर एक परिदृश्य से मदद करते हैं। आज हमारे साथ हैं केशव जालान जी, हम उन्हीं से बात करते हैं और संघर्ष के दिनों से अब तक की कहानी जानते हैं। सर्वप्रथम द इंडियन ओपिनियन में आपका स्वागत है जालान जी। और शुरुआती दिनों से आज तक का आपका सफर कैसा रहा और किस तरह से इस पायदान पे आप पहुंचे? मैं रांची वर्तमान में झारखंड का रहने वाला हूं। सन 1974 में हम लोगों ने दुकान की शुरुआत की। पहले दिन 156 रुपए का कपड़ा बिका, दो दिन दुकान में बोहनी नहीं। उसके बाद मैंने साइकिल उठाई और साइकिल से घूम कर दुकान दुकान जाकर दुकान की शुरुआत की। गांव में कपड़ा ले जाना संभव नहीं था, तो हम पंपलेट लेके जाते थे। गाँव के दुकानदार को बता, साहब हमने दुकान की है, हमारे यहाँ सामान मिलेगा, आप आने की कृपा कर। और साइकिल का दौर हमारा 3 साल तक चला, जिसमें लू धूप सब बर्दाश्त करना पड़ा। उसी का कारण है कि आज भी मेरे को गर्मी नहीं लगती, क्योंकि शरीर तक गया जाड़ा लगता है। 3 साल बाद बाबा विश्वनाथ की कृपा से दुकान पटरी पर आ गए। उसके बाद पहला आपका रिटेल स्टोर बास फाटक के पास खुला, वो सन 1998 में खुला था। धीरे धीरे आज रिटेल के दौर में काफी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कई विदेशी कंपनियां और देसी कंपनियां इस सेक्टर में कूद गई हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि जालान जी का एक अभी पूर्वांचल कह लीजिए, बिहार झारखंड यूपी और आसपास के स्टेट्स में एक अपनी अलग पहचान है, जो रिटेल सेक्टर में वाकई क्रांति माना जाए तो क्रांति कहना यहाँ गलत होगा, एक अपने आप में एक अमिट छवि और छाप आपने छोड़ा है। तो क्या मानते हैं कि आज के समय में जो रिटेल में गला काट प्रतिस्पर्धा है, आप अपने आप को कहाँ और किस लेवल पे स्टेब्लिश किया? मैं 10 साल अपने बिजनेस दौरान बॉम्बे रहा। वहां मेरे को एक जैन डायरी मिली जिसमें लिखा हुआ था बिजनेस इज इक्वल टू कंपटीशन। तो व्यापार है तो कंपटीशन रहेगा ही। तुरंत मैंने उसके नीचे लिखा कंपटीशन इज इक्वल टू क्वांटिटी। बिना कंपटीशन के क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, तो कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है। और रहा कि विदेश की कंपनी आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, सबका स्वागत है, वो हमसे कंपटीशन करके तो देखे, कहीं हम प्रोडक्ट में मजबूत होंगे, कहीं रेट में मजबूत होंगे। इसलिए कोई उससे नहीं, वो सब तो विकास का द्योतक है। आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी रिटेल की दुकान चाहे किसी भी चीज की, वो कभी अकेली नहीं चलती। जब वहां 10 दुकानें होंगी तो ही चलेगी, तो जितनी दुकान खुलेगी जितने लोग आएंगे उतना ज्यादा व्यापार होगा, उसका स्वागत है। समाज के हर पहलुओं पर आप आपकी तरफ से मदद होता है, चाहे वो बात संस्कृति के क्षेत्र में किया जाए,
या राजनीतिक के क्षेत्र में किया जाए या आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए सीधे तौर पे, तो धर्म और अध्यात्म के लिए भी आप काफी कुछ करते हैं, तो उन पहलुओं को जरा प्रकाश डालने की कृपा। देखिए, जहाँ राजनीतिक सवाल है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, न वो मेरा क्षेत्र है। जहाँ सामाजिक कार्यों की बात है, तो अब ये समझ लीजिए कि शिवानी बहन ने कहा कि मेरे बिना समाज का काम चल सकता है, पर समाज के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, इसलिए समाज के लिए करना चाहिए। मैं खलील जिब्रान की बात से सहमत हूं, जब उससे इंसान के लिए पूछा गया तो उसने कहा कि भगवान ने इंसान को बनाया दूसरे का काम करने के लिए, और इंसान लग गया बटोरने में। भगवान क्या मैसेज दे रहा है? भगवान के कितने हाथ होते? चार, और चारों खुले होते। भगवान यही तो मैसेज दे रहा है कि मैं चार हाथ से दे रहा हूं, तुम दो हाथ से दो। पंडित विजय शंकर जी मेहता उज्जैन वाले, जिन्होंने हनुमान चालीसा पर बहुत काम किया, उनकी एक किताब है, किताब के मुख्य पृष्ठ पर है, शिक्षा के बाद पहले समाज सेवा शुरू होनी चाहिए, उसके बाद आदमी को कमाने के लिए जाना चाहिए। तो समाज के लिए तो जो हो जाए अच्छी बात है। काशी ने आतंक के दंश को भी झेला है और आपने बड़े करीब से देखा है, तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति, समाज, जीवन, इसमें अनवांटेड सिचुएशन आती रही है, आगे भी आएगी, उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगी। अनवांटेड सिचुएशन माने हर क्षेत्र में, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, उसका मतलब होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से दो फायदे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम दोबारा नहीं आनी चाहिए। अभी पूरा विश्व कोरोना के लॉकडाउन से गुजरा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पर आज मैं उसके अगर फायदे गिनाने शुरू करूं, लॉस तो सबके सामने, फायदा गिनाना शुरू करूं तो बहुत सारे फायदे हैं। तो प्रॉब्लम आगे भी आएगी, वेलकम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ केशव जालान जी, जो कि समाज में अब काशी में एक अपना स्थान रखते हैं, और हमारे साथ बने रहिए द इंडियन ओपिनियन के लिए।